ओडिशा के कोरापुट में पुलिस ने 7 करोड़ 90 लाख के नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस को ये कामयाबी उस वक्त मिली जब जांच टीम ने एक कार की तलाशी ली। कार में 500 के फर्जी नोटों के 1580 बंडल बनाकर रखे गए थे। पुलिस के मुताबिक ये सभी नकली नोट छत्तीसगढ़ के रायपुर से विशाखापट्टनम ले जाए जा रहे थे, जहां किसी को सौंपा जाना था। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इन फर्जी नोटों के रैकेट का सरगना कौन है और किस गिरोह से जुड़ा है। कल पटंगी थाना जुरिस्डिक्शन में सुंकी बीट हाउस का एरिया में एसआई एसके स्वाई और एएसआई एमएस नायक और उनका टीम ब्लॉकिंग करके व्हीकलर चेकिंग कर रहे थे। उस टाइम एक छत्तीसगढ़ का फोर्ड फिगो गाड़ी चेकिंग करते वक्त उस गाड़ी में 4 ट्रॉली बैग मिले थे और वो 4 ट्रॉली बैग लॉक अवस्था में मिले थे और उसका चेक किया तो उसमें पूरा 500 रुपी नोट का बंडल्स का फेक करेंसी मिले थे। तो उसका पूछताछ करने से वो पता चला कि वो तीन लोग जो गाड़ी में हैं वो लोग और उसका अलग बाकी एसोसिएट्स ने रायपुर में उसका प्रिंटिंग कलर जीरोक्स प्रिंटिंग करा के और उसका लेके जा रहा है रायपुर से वाइजैक को किसी को वो डिलीवरी देने वाले हैं। तो उसमें पूरा है 1580 बंडल्स का, सभी 500 रुपये डिनोमिनेशन का नोट्स है और हर एक बंडल में 100 नोट्स का, पूरा 7.9 करोड़, दैट इज 7 करोड़ 90 लाख का फेक करेंसी है और वो सभी सीज किया गया है और वो तीनों लोग का अरेस्ट किया गया है और वो तीनों लोग बिलोंग करता है छत्तीसगढ़ स्टेट का जांजगीर चंपा डिस्ट्रिक्ट का और पूरा सीजर में हुआ है और जो 7.9 करोड़ का फेक करेंसी कंप्राइजिंग ऑफ 1580 बंडल्स, हर एक बंडल में 100 नोट का 500 डिनोमिनेशन का 100 नोट्स और एक फोर्ड फिगो कार और 5 मोबाइल फोन और कैश ऑफ 35,000 रुपीस और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स और आईडी कार्ड्स सीज किया गए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और बाकी लोग उसका ग्रुप में जो लोग शामिल है उसको जल्दी पकड़ेंगे और उसका पूरा चेन को जल्दी उसको इन्वेस्टिगेशन में बाहर करेंगे। एनी पॉलिटिकल कनेक्शन टू दिस? अभी तक पॉलिटिकल कनेक्शंस का कुछ पता नहीं है। ये जो एक्चुअली ये नोट्स जो मिला है वो हाई क्वालिटी नोट्स नहीं है, वो एक्चुअली ध्यान से देखने से उसमें सिक्योरिटी थ्रेट और बाकी चीज़ें पता लग जाता है कि वो फेक है। लेकिन अगर जेन्यून करेंसी नोट्स का साथ मिला हुआ है तो आम आदमी वो जो चीट हो जाता है वो उनमें काउंटिंग में या वो प्रॉपर सिक्योरिटी थ्रेड को नहीं देख लिया तो ध्यान से वो नोट नहीं देखे तो वो चीट हो जाता है, वो जो रेगुलर नोट समझ के वो जो ट्रांजैक्शन में आ सकता है। तीन आदमी का पीछे कोई इंटरनेशनल रैकेट है, नेशनल रैकेट है क्या? अभी तक कुछ पता नहीं चला है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन के बाद में हमको और जानकारी मिलेगी। अच्छा, अभी जो आंध्र प्रदेश में पंचायत निर्वाचन चल रहा है इसलिए जो जाल नोट का जो चलन हो रहा है, पंचायत निर्वाचन का पीछे कोई साजिश है क्या ना? उसका कुछ लिंकेज अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। पैसा कहाँ ले रहे थे इतना जाल नोट हो, अगर आप बोल रहे सर पैसे उनको क्या चाहिए? उनका वो लोग अभी तक इंटरोगेशन में जितना पता चला है कि वो लोग रायपुर से वाइजाग लेके जाने वाला है और वहाँ किसके हाथ में देना है वो उनका एसोसिएट्स बताने वाला है तो उसके बाद उसके हाथ में देने वाले हैं और बाकी ये लोग का और कुछ डिटेल्स पता नहीं है। ये पूरा कॉन्स्पिरेसी में ये लोग एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी है, बाकी लोग को पकड़ने से बाकी चीजें बाहर आई। सर इस मामले से कोई उधर स्टेट का पुलिस का से कुछ बात हुआ है? अभी तक कोऑर्डिनेशन, अभी केस रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी आगे जाके कोऑर्डिनेशन करके आंध्र और छत्तीसगढ़ का पुलिस के साथ इसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाए। अभी इनका पहले ऐसा किया कि नहीं और कुछ केसेस है वो सभी इन्वेस्टिगेशन में आगे जाके पता चलेगा। रिमाइंडर करेंगे क्या कोर्ट से? वो देखेंगे, अभी इन्वेस्टिगेशन रिमांड के लिए प्रे करेंगे कोर्ट को और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो कैसा प्रिंट किया है, वो क्या इक्विपमेंट यूज किया है। अभी तक फिलहाल ये लोग बोल रहे हैं कि जो प्रिंटर यूज किया है उसको जला दिया है करके बोल रहे हैं, तो उसका और इन्वेस्टिगेशन में और कुछ
जो इक्विपमेंट उसने यूज किया प्रिंट करने के लिए वो उसका रिकवरी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पहली बार किया ना और पिछले बार कितना बार? अभी तक पहली बार ही किया है करके ये लोग बोल रहे हैं। उसका आगे का इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा कि और पहली बार इससे पहले कभी किया कि नहीं। तीनों को पकड़ा गया है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो लोग क्या उसका इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा, पढ़ाई कर रहे थे क्या, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। एक पर्सन तो वहाँ कुछ इंजीनियर है जो वहाँ पे एक पावर प्लांट में काम कर रहे हैं, और बाकी दो एक बंदा उसी पावर प्लांट में कुछ मजदूरी का काम कर रहे हैं, और तीसरा बंदा ड्राइवर है गाड़ी का। यहाँ लोकल एसोसिएट कुछ है कैसे? लोकल का कुछ लिंक नहीं, अभी तक तो कुछ लिंक का नहीं पता चला। इनका उम्र कितना होगा सर? उम्र एग्जैक्टली पता नहीं। वेपन्स कुछ नहीं सर, गंजा माफिया के साथ उनका कोई रिश्ता है? उसका लिंक कुछ नहीं पता चला, और बाकी डिटेल्स इन्वेस्ट लेंगे। लेकिन अगर जेन्युइन करेंसी नोट्स का साथ मिला हुआ है तो आम आदमी वो जो चीट हो जाता है वो उनमें काउंटिंग में या वो प्रॉपर सिक्योरिटी थ्रेट को नहीं देख लिया तो ध्यान से वो नोट नहीं देखे तो वो चीट हो जाता है। वो जो रेगुलर नोट समझ के वो जो ट्रांजैक्शन में आ सकता है। तीन आदमी का पीछे अभी तक कुछ पता नहीं चला है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन के बाद में हमको और जानकारी मिलेगी। अच्छा, अभी जो आना उसका कुछ लिंकेज अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। पैसा कहाँ ले रहे थे? इतना लोग अभी तक इंट्रोगेशन में जितना पता चला है कि वो लोग रायपुर से वाइजाग लेके जाने वाला है, और वह किसके हाथ में देना है वो उनका एसोसिएट्स बताने वाला है, तो उसके बाद उसके हाथ में देने वाले थे, और बाकी ये लोग का और कुछ डिटेल्स पता नहीं। ये पूरा कॉन्स्पिरेसी में ये लोग एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी है, बाकी लोग को पकड़ने से बाकी चीज़ें बाहर आई। अभी तक कोऑर्डिनेशन, अभी केस रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी आगे जाके कोऑर्डिनेशन करके आंध्रा और छत्तीसगढ़ का पुलिस के साथ इसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाए। क्या क्या छत्तीसगढ़ में और वो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, अभी इनका पहले ऐसा किया कि नहीं और कुछ केसेस से वो सभी इन्वेस्टिगेशन में आगे जाके पता चलेगा। वो देखेंगे अभी इन्वेस्टिगेशन, रिमांड के लिए प्रे करेंगे कोर्ट को, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो कैसा प्रिंट किया है, वो क्या इक्विपमेंट यूज़ किया है। अभी तक फिलहाल ये लोग बोल रहे हैं कि जो प्रिंटर यूज़ किया है उसको जला दिया है करके बोल रहे हैं, तो उसका और इन्वेस्टिगेशन में और कुछ जो इक्विपमेंट उसने यूज़ किया है प्रिंट करने के लिए वो उसका रिकवरी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पहली बार किया है करके ये लोग बोल रहे हैं, उसका आगे का इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा कि और पहली बार इससे पहले कभी किया कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। एक पर्सन तो वहाँ कुछ इंजीनियर है जो वहाँ पे एक पावर प्लांट में काम कर रहा है, और बाकी दो एक बंदा उसी पावर प्लांट में कुछ मजदूरी का काम कर रहा है, और तीसरा बंदा ड्राइवर है गाड़ी का। लोकल का कुछ लिंक नहीं, अभी तक तो कुछ लिंक का नहीं पता चला, सिर्फ उम्र एग्जैक्टली पता नहीं है।